प्रश्न तीन, चित्र में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 60 ओम है। प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। हमें इस प्रश्न में दो चीज़ें पता करनी है। पहला भाग है इसका कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है और दूसरा हमें ज्ञात करना है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। हल, जैसा कि हम इस परिपथ में देख सकते हैं कि R1 और R2 समानांतर क्रम में हैं, उसी प्रकार R3, R4 और R5 भी समानांतर क्रम में हैं और ये जो प्रतिरोधों का समूह है ये श्रेणी क्रम में है। साथ में 12 वोल्ट की बैटरी है और ये अमीटर। तो सबसे पहले हमें यदि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि माना R1 व R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध R' है, तब इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या लेना होगा, 1/R' बराबर होगा 1/R1 धन 1/R2। चलिए इसका मान रख लेते हैं। तो 1/R1 का मान है 10 ओम और R2 का मान है 40 ओम। इसे सरल कर लें तो हमें मिलेगा 4 × 1/40 यानी कि 5/40। फिर आगे देखते हैं, इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/8 यानी कि 1/R' बराबर हमको मिल रहा है 1/8, तो हम कहेंगे R' का मान होगा 8 ओम। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि R1 और R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध हमें R' का मान मिला 8 ओम। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि R3, R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध 8" है, तब 1/R" बराबर 1/R3 धन 1/R4 धन 1/R5। चलिए सबका मान रख लें तो हमें मिलेगा 1/30 धन 1/20 धन 1/60। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 धन यहाँ पर 3 और धन 1। इसका मतलब ये हो गया 6/60, जिसे हम लिख सकते हैं 1/10। तो हम क्या कहेंगे कि 1/R" हमको मिला है 1/10, जो कि देगा R" का मान 10 ओम। चलिए आगे हल करते हैं। हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और हमने देखा था कि R1 R2 जो है वो समानांतर क्रम में है, R3 R4 R5 समानांतर क्रम में है और ये जो प्रतिरोधों का समूह है ये श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध को यदि हम R से बताएं, कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R' धन R" जिसका मान हमें कितना मिला है, R' हमें मिला था 8 ओम और R" मिला है 10 ओम। इस प्रकार 18 R कुल प्रतिरोध जो है वो बराबर हो गया 18 ओम। इस प्रकार प्रश्न का पहला भाग हल हुआ। चलिए अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पे चलते हैं जिसमें हमें परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं, कि V बराबर प्रतिरोध गुणित विद्युत धारा। यहाँ से हम विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं यानी हम इसे लिख सकते हैं I बराबर V बटे
आर। हमारे पास वी दिया हुआ है, वी का मान है 12 वोल्ट और कुल प्रतिरोध अभी हमने ज्ञात किया 18, यानी कि आई का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो 0.67 एम्पियर प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रश्न का दूसरा भाग भी हल हुआ।